18वीं लोकसभा का पहला सत्र 14 घंटे बाद शुरू होने वाला है, लेकिन हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कल के सदन में क्या क्या बदलाव दिखेगा। मोदी 3.0 में सदन की तस्वीर कैसी रहेगी? इस बार सरकार भी नहीं है और संसद भी, लेकिन 2024 के नतीजे ने कहानी और पिक्चर बदल दी है। पिछले 10 साल में जिस तरह की संसद आपने देखी, अब आपको वैसी नजर नहीं आएगी। बहुत कुछ बदला सा होगा। पक्ष सशक्त तो मजबूत विपक्ष होगा, नए चेहरे होंगे, नया ग्लैमर होगा, और इस दौर में आप कई कद्दावर चेहरों को मिस भी करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया। अब बारी सांसदों को शपथ दिलाने की है, जिसके लिए विशेष सत्र कुछ घंटे बाद शुरू होगा। लेकिन 18वीं लोकसभा के सत्र में पूरे 10 साल बाद तीन बड़ी तस्वीर पहली बार दिखेंगी। पूरे 10 साल बाद पहली बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास बहुमत से 21 ज्यादा सांसद हैं। 10 साल बाद इस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। दो बार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष के लायक सीटें ही नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार पार्टी 99 सीटों के साथ इस पद पर काबिज होगी। पिछली 2 लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से विपक्ष काफी कमजोर था, लेकिन इस बार 234 सीटों के साथ विपक्षी गठबंधन बेहद मजबूत है। बड़ी बात ये कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ 59 सांसदों का ही फासला है। ये पहली बार होगा जब संसद के नए भवन में मोदी 3.0 वाली नई सरकार और सांसद शुरुआत से ही बैठेंगे। इससे पहले 2014 से 2019 का कार्यकाल पुरानी संसद भवन में चला था। 2019 में जब बीजेपी दोबारा चुनकर आई तो फिर इसी पुराने बिल्डिंग में सत्र शुरू हुआ, लेकिन पिछले साल नए भवन में संसद का कामकाज शिफ्ट हो गया। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का। संसद की पुरानी इमारत से पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ नए भवन में प्रवेश किया, फिर बाकी दलों के सांसद भी पहुंचे। नया संसद भवन पिछले साल खूब सुर्खियों में भी रहा। इस बार सांसदों का शपथ ग्रहण पहली बार नए भवन में होगा। अब दलों के हिसाब से आपको 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा की तस्वीर दिखाते हैं। 2014 में एनडीए के 335 सांसद थे, जबकि विपक्षी गठबंधन यूपीए की संख्या सिर्फ 59 थी। 2019 में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 352 तक जा पहुंचा, जबकि यूपीए की गिनती 91 पर अटक गई। लेकिन 2024 में सीन पलट गया। एनडीए की संख्या घटकर 293 पर पहुंच गई, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया बढ़कर 234 पर पहुंच गया। इस बार के चुनाव में 2014 और 2019 के मुकाबले विपक्षी गठबंधन में ज्यादा दल थे जो एकजुटता के साथ लड़े, जिसकी पिक्चर अब निचले सदन में दिखने वाली है। मजबूत संख्या बल की वजह से इस बार विपक्ष को संसद की स्थायी विशेषाधिकार और चयन समितियों में बेहतर हिस्सेदारी मिलेगी। इतना ही नहीं, संसद की बहस में भी विपक्ष को ज्यादा समय मिलेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार, अगर स्पीकर किसी विषय पर बहस के लिए 10 घंटे का समय तय करते हैं, तो संसद की नई तस्वीर के मुताबिक एनडीए को जहां 6 घंटे मिलेंगे, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 घंटे मिलेंगे। इससे पहले पिछली लोकसभा में सत्ता पक्ष को 8 घंटे मिलते थे, तो विपक्ष को सिर्फ 2 घंटे। नए चुनकर आए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। इस बार यहां भी आपको बदलाव दिखेगा।
2019 में 7 बार के बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार ने यह जिम्मेदारी निभाई थी। इस बार ये भूमिका बीजेपी के भरधारी मेहताब निभाने वाले हैं, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही प्रोटेम स्पीकर का विवाद खड़ा हो गया। इसकी झलक सदन की कार्यवाही में दिख सकती है।